जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। अटल पेंशन योजना से जुड़ने वालों को बड़ी सौगात। बजट में मोदी सरकार दे रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जब 1 फरवरी 2022 को जब बजट पेश करेंगे तो अटल पेंशन योजना के दी जाने वाली अधिकतम पेंशन सीमा को मौजूदा 5000 से बढ़ाकर 10000 करने का ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि मोदी सरकार 2015 में अटल पेंशन योजना लेकर आई थी, जिसमें 1000 रुपये लेकर से 5000 रुपये तक है, 60 साल की उम्र के बाद मिलेगा। और पेंशन का एक ऐसा 5 स्लेब है जिसमें दरअसल जब देश में सोशल सिक्योरिटी का अभाव है तो स्कीम में इन बदलावों को के जरिए सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित कर सकती है। अटल पेंशन योजना के तहत 18 साल का कोई भी व्यक्ति प्रतिमाह 42 रुपये जमा करता है तो 60 साल की उम्र में उसे प्रतिमाह 1000 रुपये की पेंशन मिलती है। वहीं 18 साल की उम्र में हर महीने 210 रुपये पेंशन जमा करने पर रिटायरमेंट के बाद मंथली 5000 पेंशन मिलती है। दरअसल PFDA के अनुसार बहुत लंबे समय से सरकार पेंशन की लिमिट बढ़ाने की बात कर रहा था, लेकिन अभी पेंशन की लिमिट कम बढ़ पाई है, जिसको लेकर के हरियाणा में काफ़ी बुजुर्ग परेशान है कि पेंशन का अभाव ज़्यादा किया जाए। तो जुड़े रहें।